हेलो एवरीवन, क्या आप भी एमएड करना चाहते हैं पर ये नहीं पता कि ये कब होता है, कैसे किया जाता है, इसका सिलेबस क्या है? कई सारे सवाल अगर आपके मन में आ रहे हैं तो आप एक वीडियो में आपको सारे इन सवालों का जवाब मिलेगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि एमएड क्या है। एमएड का फुल फॉर्म होता है मास्टर इन एजुकेशन। ये एजुकेशन फील्ड में मास्टर की डिग्री है और इसके लिए बीए या इसके समकक्ष कोई भी अगर डिग्री आपने की हुए तो आप एमएड आराम से कर सकते हैं। एमएड के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन करना कोई जरूरी नहीं है। आप ग्रेजुएशन कंप्लीट है और बीए या इसके समकक्ष कोई आपने डिग्री की है तो आप एमएड आराम से कर सकते हैं। तो इसके बाद जानते हैं कि एमएड कितने साल के लिए किया होता है। तो यह 2 ईयर्स का प्लान होता है एमएड, जिसमें 4 सेमेस्टर होते हैं, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4। 4 सेमेस्टर का ये पूरा प्लान होता है और हर सेमेस्टर में 450 मार्क्स का एग्जाम होता है। इस तरह से टोटल 1800 मार्क्स का फुल एमएड का कोर्स 2 वर्ष में होता है। अब जानते हैं एमएड के फुल सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेमेस्टर 1 से। सेमेस्टर 1 में टोटल कितने पेपर्स होते हैं, कितने थ्योरी होते हैं और कितने प्रैक्टिकल्स होते हैं, इसी तरह हम 4 सेमेस्टर के बारे में जानेंगे। तो एमएड के पूरे सिलेबस को जानने के लिए आखिर तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेमेस्टर 1 से। तो सेमेस्टर 1 के में सबसे पहले आता है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव के अंदर सब्जेक्ट आते हैं आपके शिक्षा के दर्शन, शास्त्रीय परिपेक्ष, फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, ये सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका। ये थ्योरी होता है और इसमें 20 इंटरनल मार्क और 80 एक्सटर्नल मार्क का पेपर होता है। इस तरह से टोटल 100 मार्क का पेपर होता है। सेकेंड सब्जेक्ट का एरिया होता है टूल। इसके अंदर आता है शैक्षिक अनुसंधान वन, एजुकेशनल रिसर्च फर्स्ट, ये भी आपका थ्योरी होता है, रिटन पेपर होता है। इसमें भी इंटरनल कॉलेज की तरफ से जो आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं इन सबको देखकर जो मार्क्स दिए जाते हैं वो 20 में से होते हैं और रिटन पेपर इसका 80 का होता है। इस तरह से ये भी 100 मार्क्स के लिए पेपर होता है। नंबर 3, स्पेशलाइजेशन। एमएड आप किस सब्जेक्ट में स्पेशल करना चाहते हैं, इस तरह से 6-7 आपको सब्जेक्ट कॉलेज की तरफ से ऑफर किए जाते हैं। आप अपनी पसंद का सब्जेक्ट चुन सकते हैं। वो कौन कौन से सब्जेक्ट है मैं बाद में आपको उनके बारे में बताऊंगी। तो 3rd हो जाता है फर्स्ट एडवांस लेवल कोर्स। जो आप एडवांस कोर्स करना चाहते हैं वो फर्स्ट एडवांस लेवल कोर्स आ जाता है। वो भी आपका थ्योरी होता है जिसमें 20 मार्क्स आपके असाइनमेंट और देखकर दिए जाते हैं और 80 मार्क्स का आपका रिटन पेपर होता है। इस तरह से ये भी 100 मार्क्स के लिए पेपर होता है। इसके बाद आते हैं प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 2 प्रैक्टिकल होते हैं। पहला प्रैक्टिकल है सूचना एवं संप्रेषण तकनीक, जिसे इंग्लिश में इंफॉर्मेशन ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये आपका प्रैक्टिकल पेपर होता है जिसमें 30 एक्सटर्नल मार्क्स और 30 इंटरनल मार्क्स और 70 एक्सटर्नल मार्क्स, इस तरह से ये 100 मार्क्स के लिए होता है। और सेकेंड प्रैक्टिकल है आपका क्रिटिकल रीडिंग ऑफ लिटरेचर, ये भी प्रैक्टिकल है, ये 50 मार्क्स के लिए होता है। इस तरह से सारे मार्क्स में 450 मार्क्स का ये फर्स्ट सेमेस्टर पूरा आपका होता है। तो आप जान चुके हैं इसमें कि 3 आपके थ्योरी पेपर होंगे और 2 आपके प्रैक्टिकल होंगे। तो 3 कौन कौन से, फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल रिसर्च फर्स्ट एंड फर्स्ट एडवांस लेवल कोर्स, ये 3 आपके रिटन पेपर होते हैं। आप जानते हैं सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। तो सेकेंड सेमेस्टर के में भी आपके 3 थ्योरी होती है पर सेकेंड सेमेस्टर में प्रैक्टिकल सिर्फ 1 होता है। तो ये कौन कौन से सब्जेक्ट है जानते हैं। लास्ट में मैं आपको कितने मार्क्स आपको पास करने के लिए चाहिए या अगर आपको एटीकेटी आती है तो आप किस तरह से फिर से एग्जाम दे सकते हैं वो सारा बताऊंगी। तो आखिरी तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा। तो सबसे पहला एरिया इसमें आता है पर्सपेक्टिव का, जिसमें पहला सब्जेक्ट है आपका शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिपेक्ष, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, ये थ्योरी पेपर होता है जिसमें आपको कॉलेज की तरफ से आपके प्रैक्टिकल्स की आपके असाइनमेंट इनको देखकर 20 मार्क्स दिए जाते हैं और एक्सटर्नल 80 मार्क्स होते हैं। इस तरह से ये टोटल 100 मार्क का पेपर होता है। सेकेंड पर आते हैं टूल एरिया में। यहाँ आपका सेकेंड पेपर है अनुसंधान द्वारा आंकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या।
जैसे इंग्लिश में रिसर्च डाटा एनालिसिस है, इंटरप्रिटेशन कहते हैं। ये भी आपका थ्योरी होगा, रिटन पेपर होगा, इसमें भी आपके इंटरनल 20 और एक्सटर्नल 80 मार्क्स, इस तरह से 100 मार्क्स के लिए पेपर होगा। अब थर्ड स्पेशलाइजेशन, जिस तरह आपको मैंने बताया कि 6 या 7 सब्जेक्ट आपको कॉलेज की तरफ से ऑफर किए जाते हैं, उसमें से आपको एक सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में चुनना होता है, सेलेक्ट करना होता है। उसी तरह एक और सब्जेक्ट, सेकेंड सब्जेक्ट आपको चूज करना होता है जो आप सेकेंड सेमेस्टर में करते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड एडवांस लेवल कोर्स का पेपर होता है, ये भी थ्योरी होता है, रिटन पेपर होता है, 20 इंटरनल है, 80 एक्सटर्नल मार्क्स, इस तरह 100 मार्क के लिए पेपर होता है। और प्रैक्टिकल, यहाँ पर आपका एक ही प्रैक्टिकल होगा, डिसर्टेशन प्रपोजल, जिसमें आपका 50 मार्क का इंटरनल और 100 मार्क का एक्सटर्नल, इस तरह से 150 मार्क का टोटल पेपर होगा। और सेकेंड सेमेस्टर भी इस तरह से आपका 450 मार्क्स के लिए होगा। अब जानते हैं सेमेस्टर थर्ड के सिलेबस के बारे में। सेमेस्टर थर्ड में भी आपके 3 थ्योरी और 1 प्रैक्टिकल होगा। अब कौन कौन से सब्जेक्ट है, सबसे पहले जानते हैं। फर्स्ट है आपका पर्सपेक्टिव एरिया। पर्सपेक्टिव एरिया से पहला सब्जेक्ट है शिक्षा के समाजशास्त्रीय परिपेक्ष, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ये भी आपका थ्योरी पेपर होगा रिटर्न, जिसमें 20 इंटरनल एंड 80 एक्सटर्नल मार्क्स, इस तरह से 100 मार्क्स का फुल पेपर होगा। सेकेंड एरिया में आते हैं टूल। सेकेंड एरिया टूल में शैक्षिक अनुसंधान पार्ट 2, जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में शैक्षिक अनुसंधान पार्ट 1 रीड किया था, उसी का पार्ट 2 आपको थर्ड सेमेस्टर में फिर से आएगा, एजुकेशनल रिसर्च पार्ट 2। ये आपका थ्योरी पेपर थ्योरी रहेगा, जिसमें 20 इंटरनल एंड 80 एक्सटर्नल, इस तरह से 100 मार्क का फुल पेपर होगा। थर्ड है स्पेशलाइजेशन। जो आपने सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में चूज किया था, वही सब्जेक्ट का फिर से आपको थर्ड सेमेस्टर में फर्स्ट एडवांस लेवल कोर्स आपको फिर से रिपीट होता है। ये भी फिर थ्योरी है, जो 20 इंटरनल एंड 80 एक्सटर्नल, इस तरह से 100 मार्क का होता है। और एक प्रैक्टिकल होगा इसमें, जो है फील्ड एंगेजमेंट। ये प्रैक्टिकल आपका 150 मार्क का होगा। इस तरह से टोटल थर्ड सेमेस्टर भी 450 मार्क्स का होगा। आप जानते हैं सेमेस्टर 4 का सिलेबस। इसमें भी आपके 3 थ्योरी और 1 प्रैक्टिकल होता है। तो इसमें पर्सपेक्टिव एरिया में पहला सब्जेक्ट आपका आता है शिक्षा के समकालीन एवं भावी परिपेक्ष, कंटेम्पररी एंड फ्यूचर पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ये आपका रिटर्न पेपर होता है, जिसमें 20 इंटरनल मार्क और 80 एक्सटर्नल मार्क्स, इस तरह से 100 मार्क का टोटल पेपर आपका होता है। टूल एरिया में आ जाते हैं। टूल एरिया में आपका जो सेकेंड पेपर है वो है अनुसंधान द्वारा आंकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या पार्ट 2। जो आपने सेकेंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट का पार्ट 1 पढ़ा था, उसी का पार्ट 2 रिसर्च डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का सेकेंड पार्ट आपको फोर्थ सेमेस्टर में फिर से आता है। थ्योरी पेपर होता है, 20 और 80 सेम मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स के लिए होता है। थर्ड स्पेशलाइजेशन में जो सब्जेक्ट आपने सेकेंड सेमेस्टर में लिया होता है सेकेंड एडवांस लेवल कोर्स, वही आपको फोर्थ सेमेस्टर में उसका पार्ट 2 फिर से आता है। ये भी आपका थ्योरी पेपर 20 और 80 मार्क्स के लिए होता है, टोटल 100 मार्क का। अब इसमें फोर्थ सब्जेक्ट देखते हैं प्रैक्टिकल एरिया से, जो है डिसर्टेशन। ये भी आपका प्रैक्टिकल होता है, 50 इंटरनल एंड 100 एक्सटर्नल, इस तरह से 150 मार्क का ये पेपर होता है। इस तरह से फोर सेमेस्टर भी 450 मार्क्स के लिए फुल फोर पेपर्स इसमें होते हैं। अब जानते हैं एमएड के एडवांस लेवल कोर्स की। जिस तरह हमने जाना कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको एक एडवांस लेवल कोर्स चुनना होता है, और सेकेंड सेमेस्टर में भी आपको एक एडवांस लेवल सब्जेक्ट चुनना होता है, और जो सब्जेक्ट आप फर्स्ट सेमेस्टर में चूज करते हैं, वही सब्जेक्ट का सेकेंड पार्ट आपको थर्ड सेमेस्टर में आता है, और जो सब्जेक्ट आप सेकेंड सेमेस्टर में चूज करते हैं, उसी का पार्ट 2 आपको फोर्थ सेमेस्टर में फिर रिपीट होता है। तो ये कौन कौन से सब्जेक्ट है, जिसमें से आपको कोई 2 सब्जेक्ट पूरे एमएड के लिए चूज करने होते हैं, तो उन सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। ये सब्जेक्ट है, सबसे फर्स्ट है शैक्षिक प्रशासन, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। सेकेंड है विशिष्ट शिक्षा, स्पेशल एजुकेशन। थर्ड है अध्यापक शिक्षा, टीचर एजुकेशन। फोर्थ है निर्देशन एवं परामर्श, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। फिफ्थ है शैक्षिक तकनीकी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एंड फिफ्थ है पाठ्यक्रम अध्ययन, करिकुलम स्टडीज।
तो इन छह सब्जेक्ट से फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में आपको एक एक सब्जेक्ट चूज करना होता है। अब जानते हैं कि एमएड में पास होने के लिए आपको कितने मार्क्स लाना जरूरी होता है। तो एमएड में अगर आपको थ्योरी पास करनी है तो 40% मार्क्स लाना जरूरी होता है, जिसमें 35 एक्सटर्नल और 50 इंटरनल मार्क्स मिलाकर होने चाहिए। और प्रैक्टिकल के लिए आपको 50% मार्क्स पास होने के लिए जरूरी है, जिसमें आपके एक्सटर्नल 40% होना चाहिए और इंटरनल 50% होना चाहिए। इस तरह एमएड में फुल पास होने के लिए 50% मार्क्स आपको लाना जरूरी है। अब इसके साथ ही ये जानते हैं कि अगर किसी सब्जेक्ट में आपको एटीकेटी आ जाती है तो कैसे होगा। तो एमएड में जिस तरह थ्री रिटन पेपर होते हैं, उसमें से टू कोर्स में अगर आपको एटीकेटी आता है तो आप उसका फिर से एग्जाम दे सकते हैं। टू से ज्यादा हुए आने पर आपको फिर से एमएड रिपीट करना होगा, और कम से कम 3 साल के अंदर आपको एमएड कंप्लीट करना होता है। उससे ज्यादा होने पर आपको फिर से एमएड पूरा रिपीट करना होता है। तो इस तरह हमने जाना कि एमएड का सिलेबस क्या होता है, कितने साल के लिए होता है, और इसमें पास होने के लिए कितने मार्क्स की जरूरत होती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।